गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गजराज आपका स्वागत करता हूं बच्चों ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से। जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि कोविड थर्ड अर्थात तीसरी लहर आने के कारण कोविड की एक बार फिर से पढ़ाई ऑफलाइन करना संभव नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बीटी बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाइन के माध्यम से आपको सिलेबस कम्प्लीट कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चर्चा करते हैं सब्जेक्ट पे। बच्चों, तो आपका जो सिविल सेकंड ईयर, ध्यान रखिएगा बच्चों, सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट जो है हाईवे इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, ठीक है ना, अर्थात सिविल सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना है बच्चों। हाईवे इंजीनियरिंग जिसे आप यातायात इंजीनियरिंग, राजपथ इंजीनियरिंग, ठीक है, हिंदी में जिसे आप जानते हैं राजपथ इंजीनियरिंग नाम से बोलते हैं बच्चों। ये पहले सब्जेक्ट जो होता था वो ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था बच्चों, पहले उसमें आपको हाईवे, रेलवे, ब्रिज के भी बारे में अध्ययन करना होता था, लेकिन अब जो है बीटी बोर्ड ने इसको थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, तो उसमें क्या किया है, हाईवे इंजीनियरिंग को अलग कर दिया है। ठीक है, इसमें मतलब रोड से संबंधित चीज़ों को ही आपको अध्ययन करना होगा, बाकी रेलवे और ब्रिज जो है और टनल जो है वो उठा के जो है आपको थर्ड ईयर में पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, अगर हम बेसिक आपको अगर समझाने का प्रयास करते हैं, अगर आप समझिए इसको, तो हाईवे इंजीनियरिंग, व्हाट इज हाईवे इंजीनियरिंग, क्या है? तो हाईवे इंजीनियरिंग बच्चों, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग में जब हम रोड का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उस रोड के निर्माण करने के लिए हमें कैसी प्लानिंग और कैसा उसका डिजाइन करना चाहिए और कैसा उसका मेंटेनेंस रखना है, कैसा उसका रख रखाव करना है और किस प्रकार से उसका परिचालन की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से इंजीनियर उसकी डिजाइन करे कि बेहतर सुचारू ढंग से वह राजपथ मानव यातायात के लिए सुचारू रूप से सुटेबल हो। तो इन सभी पहलुओं के बारे में अध्ययन करना, मतलब कि सड़कों के निर्माण के लिए कैसे हमें प्लानिंग करना है, कैसे हमें डिजाइन करना है, कैसे हमें उसका कंस्ट्रक्शन करना है, कितना हमें ग्रेडियंट देना है, कितना हमें स्लोप देना है और किस हिसाब से हमें डिजाइन करना है कि यातायात सुरक्षित रहे, सुरक्षा पूर्वक रहे, मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो और हमें आवागमन में बहुत आसानी हो, इजीबल हो, आसानी के साथ जो है हमारा आवागमन परिचालन की व्यवस्था हो सके। तो इन सभी पहलुओं का अध्ययन करना ही हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है बच्चों। इसी के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होगा, इसी के बारे में आपको जानकारी आपको लेना होगा, इसी के बारे में आपको मैं डिटेल से इन सभी पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो हम आगे के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। आज हम, हमारा मकसद ये है, सिर्फ आप इसको इतना जानिए कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे आज के टॉप, आज के लेक्चर में, कि क्या क्या सिलेबस है इस बुक में अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड सिलेबस। तो आइए देखते हैं सिलेबस बच्चों। देखिए, पहला चैप्टर बच्चों आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक, कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ IRC, इंडियन रोड कांग्रेस कैसे क्या बोलती है, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो क्या बोलती है, NHAI क्या बोलती है, तो उसके हिसाब से हम कैसे हमें रोड को बनाना है, इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन हम आपको कराएंगे बच्चों। दूसरा यूनिट बच्चों रोड ज्योमेट्री है, मतलब कि जो सड़क हम बनाने जा रहे हैं उसकी मानक क्या होना चाहिए, ठीक है, उसको हमें फॉर्मेशन लेवल कितना रखना है, कैम्बर कितना देना है, ग्रेडियंट कितना देना है, इन सब टॉपिक पे हमें जो है चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो है हम नेक्स्ट पे जो तीसरा आपका चैप्टर इसमें पढ़ना होगा बच्चों, वो हाईवे का अलाइनमेंट होगा, मतलब सड़क का हमें कैसे जो है अलाइनमेंट करना है, संरेखण कैसे करेंगे हम, कैसे हम लोकेशन करेंगे, कैसे कैसे हम हिली एरिया में अगर बना रहे हैं या प्लेन एरिया में बना रहे हैं बच्चों, तो उसको हम कैसे रोड को जो है कैसे बेंचमार्क से स्थापित करेंगे सर्वे से, ठीक है, तो उसको हमें लाइन अलाइनमेंट करना है, ठीक, इन सारे पहलुओं पे हम जो है तीसरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चौथा बच्चों,
जब आपका अलाइनमेंट हो जाएगा तो अब हमें उसमें जो है क्या है सड़क तैयार करने की प्रक्रिया हमें देखना है। तो सड़क में जो लगने वाले जो मटेरियल्स हैं, रोड मटेरियल्स हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब जैसे आपका कि सब बेस बनाना है तो सॉयल कैसी होनी चाहिए वहाँ पे, और बाइंडर्स एग्रीगेट आपको कौन सा यूज करना है, बिटुमन कौन सा यूज करना है, कौन सी WBM बना रहे हैं, BBM बना रहे हैं, कौन सी सड़क बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल लग रहे हैं, उन सभी मटेरियल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर बच्चों का जो है पांचवा आपको रोड पेमेंट के बारे में आपको देखना होगा। रोड पेमेंट जैसे आप देखते होंगे बच्चों जो बिटुमन की रोड है कि WBM की रोड है कि कंक्रीट की रोड है, तो इन सब पेमेंट फ्लैक्सीबल और रिगिड पेमेंट जो प्रकार का होता है बच्चों, तो उसमें हम ये देखेंगे कौन सी रोड आपको बनाना है कि BBM बनाना है, ठीक है, BBM बनाना है या WBM बनाना है या फिर कंक्रीट की रोड बनाना है, तो इन सभी के बारे में जो है हमें अध्ययन करना होगा। इनके बारे में हम आपको डिटेल से चर्चा करेंगे पांचवे चैप्टर बच्चों, ठीक है। और छठा चैप्टर बच्चों हम आपसे हिली रोड्स, हिल्स रोड्स मतलब पहाड़ पे हम सड़कें कैसे बनाते हैं, पहाड़ी इलाकों में हमें सड़कें कैसे बनाना है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि वहाँ पे कैसे ग्रेडियंट रखना चाहिए, कैसे ढाल देना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे कैसे हमें लैंडस्लाइड जो होता है, स्नो जो बर्फ़ गिरता है उससे कैसे सड़क को बचाया जाए, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे बच्चों छठा चैप्टर में आपको, ठीक है। सातवां चैप्टर में बच्चों हम रोड ड्रेनेज, वहाँ उसका जल निकासी हमें कैसे करना है, पानी का निकास कैसे करना है ताकि सड़क जो है प्रभावित ना हो, यातायात प्रभावित ना हो, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों जो है फिर आठवां जो है कि आठवां चैप्टर छोटा चैप्टर है रोड मेंटेनेंस, कैसे रोड को हम मेंटेनेंस रख सकते हैं, इस पेज करेंगे। फिर नवा चैप्टर बच्चों कि रोड जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, उन सभी जैसे हार्ट मिक्स प्लांट होता है, टिपर होता है, रोड पेमेंट होता है, पेवर फिनिशर होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। और जो लास्ट आपका चैप्टर होगा बच्चों वो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग होगा, ठीक, हवाई यातायात से संबंधित जो है इसके बारे में हमें कैसे टैक्सी वे बनाना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रनवे क्या होता है, हैंगर क्या होता है, मतलब कि जो जहाँ से हवाई जहाज का जो उड़ान होता है, हवाई जहाज के लिए हमें यातायात कैसे प्रबंधन किया जाता है, हवाई जहाज के लिए कैसे हम वहाँ पे टैक्सी वे रनवे इन सब का निर्माण कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पहलुओं पर हम अध्ययन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों, तो इन 10 चैप्टर के बारे में ध्यान रखिएगा, 10 यूनिट है आपको हाईवे इंजीनियरिंग बच्चों, 10 यूनिट है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे हमें एक रोड को निर्माण करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। और लास्ट जो टॉपिक होगा आपका वो एयरपोर्ट से संबंधित थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे हाईवे अगर हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने के लिए हमें किन किन पहलुओं को ध्यान रखा जाता है, कैसे हम उसको टैक्सी वे का निर्माण करते हैं, रनवे का निर्माण करते हैं, इन सब पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पहले चैप्टर से स्टार्टिंग में करेंगे बच्चों। अब जो हमारी मुलाकात होगी, मतलब अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास जाएगी बच्चों, वो हम चर्चा डिटेल से करेंगे पहला चैप्टर से इंट्रोडक्शन पे, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आई थिंक आप सभी लोग अच्छे ढंग से घर पे रहकर अपना ख्याल रखते हुए, ठीक है, पढ़ाई को जारी रखेंगे, पढ़ाई अच्छे ढंग से करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले चैप्टर से हम इंट्रोडक्शन के साथ उपस्थित होते हैं, फिर हम डिटेल से हम उस टॉपिक पे आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।